केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा रविशंकर स्टेडियम में की जाएगी, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी निरीक्षण करने स्टेडियम पहुंचे। उनके साथ भाजपा के आला नेता भी मौजूद थे। 22 जून को अमित शाह का दुर्ग जिले का दौरा प्रस्तावित है, जहां संभाग स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं स्थानीय बड़े नेताओं से वन बाय वन चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह की सभा के लिए रविशंकर स्टेडियम में तैयारी की जा रही है। उसको लेकर प्रदेश उपाध्यक्ष व दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी स्टेडियम पहुंचे और स्थल का निरीक्षण किया। 7 जिलों से लगभग 1 लाख की भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। सभा में भाजपा ने संभाग के 7 जिलों से कम 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। तो वहीं राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित 7 जिलों के जिलाध्यक्ष, मोर्चा प्रभारी, मोर्चा अध्यक्ष, बूथ प्रभारी सहित शक्ति केंद्रों के प्रभारी भी सभा में मौजूद होंगे। आगामी 22 जून को अमित शाह दुर्ग से विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल फूकेंगे। दुर्ग संभाग में 20 विधानसभा सीट है, जिसमें 18 पर कांग्रेस और 2 पर बीजेपी की जीत हुई थी। इस समीकरण को बदलने के लिए और संभाग की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल के अवसर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की 51 रैलियां हो रही है, और उसी कड़ी में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय दुर्ग में भारत देश के यशस्वी गृह मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक्य के आदरणीय श्री अमित शाह जी का आगमन 22 जून को दुर्ग में हो रहा है और उनकी व्यापक तैयारियां कर ली गई है। आज रविशंकर स्टेडियम को भी सुनिश्चित किया गया है और उसी स्थल का निरीक्षण करने सारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में पब्लिक यहाँ उपस्थित होगी और कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है, जनता में भारी उत्साह है, और आज अभी तक की ऐतिहासिक सभा यहाँ होने वाली है। रेड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।